जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने ट्रिपल एस रेलू चैनल में। मेरा नाम है सचिन। प्रोजेक्ट के का एक छोटा सा टीजर सामने आया है जिसमें दोस्तों किसी का वेलकम किया जा रहा है। वह लेजेंड सुपर स्टार है कमल हसन। पहले भी खबरें आ रही थी कि प्रोजेक्ट के में कमल हसन सब काम करने वाले हैं। फाइनली इस टीजर से यह कन्फर्म हो गया कि एंट्री मारने आ रहे हैं कमल हसन सर प्रोजेक्ट के में। तो भाई बवाल होने वाला है क्योंकि पहले से ही प्रोजेक्ट के में भयंकर स्टार कास्ट थी दोस्तों। मतलब लेजेंड अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण एंड दिशा पटानी भी हैं दोस्तों। और अब एंट्री मार रहे हैं लेजेंड स्टार कमल हसन दोस्तों। तो बवाल तो होकर ही रहेगा दोस्तों। कमल हसन सर ने एक भयंकर विलेन का किरदार निभाने वाले हैं प्रोजेक्ट के में, और इसके लिए उन्होंने एक मोटी फीस भी चार्ज की है, करीब 20 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा प्रभास ने 150 करोड़ चार्ज किए हैं प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों। काफ़ी बड़ी अमाउंट है दोस्तों, आदि पुरुष के बाद, इतना बवाल होने के बाद। तो फाइनली दीपिका पादुकोण ने भी करीब 10 करोड़ चार्ज किए हैं, और लास्ट में 20 करोड़ दिशा पटानी, अमिताभ बच्चन एंड अदर कलाकार के लिए है। प्रोजेक्ट के की कहानी वर्ल्ड वार 3 के आसपास घूमती दिखाई देगी दोस्तों, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रभास के की कहानी महाभारत पर आधारित बताई जा रही है दोस्तों। एक और आदि पुरुष के बाद दूसरी महाभारत आने वाली है, वो भी प्रभास की दोस्तों। तो वहीं प्रोजेक्ट के में प्रभास और अमिताभ बच्चन जो रोल प्ले कर रहे हैं दोस्तों, वो कर्ण और अश्वत्थामा का है, मतलब उससे प्रेरित है। कहने का मतलब यह है प्रभास एज ए कर्ण एंड अमिताभ बच्चन एज ए अश्वत्थामा। भाई कैसा लगा था दोस्तों इन दोनों को इस किरदार में देखकर? काफ़ी एक्साइटेड तो हो गई ना आप लोग, मैं भी हूँ दोस्तों, कि आकलक कभी हम लें अमिताभ बच्चन और प्रभास को इस गेटअप में या इस किरदार में कभी नहीं देखा था। प्रभास की आदि पुरुष के बाद दोस्तों प्रोजेक्ट के की कहानी में कुछ चेंजेस किए गए हैं दोस्तों, क्योंकि इसलिए आदि पुरुष मूवी पर जो विवाद हुआ है दोस्तों, उसकी वजह से इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जो प्रभाव पड़ा है वो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के में बदलाव किए गए हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट के का टीजर प्रभास ने और अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर करके लिखा है वेलकम कमल हसन सर दोस्तों। काफ़ी रिस्पेक्ट तरीके से वेलकम किया जा रहा है कमल हसन सर का प्रोजेक्ट के मूवी में दोस्तों। वैसे वो एक भयंकर विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं दोस्तों, और जो लुक देखने को मिल रहे हैं टीजर में वो भी गजब दिख रहे हैं दोस्तों। कमल हसन सर की जो लास्ट मूवी आई थी विक्रम, जो सुपर डुपर हिट साबित हुई थी, और अब के प्रोजेक्ट के मूवी आ रही हैं। वैसे प्रोजेक्ट के मूवी 12 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है दोस्तों, अभी काफ़ी समय है। लेकिन यह भी मूवी, मतलब प्रोजेक्ट के मूवी आदि पुरुष की तरह 500 करोड़ के बजट में बनी है दोस्तों, पैन इंडिया मूवी कहलाई जा रही है दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाय बाय दोस्तों।